महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसकी समय समय पर समीक्षा भी की जा रही है। परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, यह महाकुंभ दिव्य और भव्य होने के साथ ही सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ होगा। इस बार पहली बार पॉलिथीन की जगह पर दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होगा। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और संतों को निर्मल गंगा जल मिलेगा। महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले पुलिस के जवानों को लोगों से अच्छे व्यवहार की नसीहत भी दी गई है। साथ ही महाकुंभ में सोशल मीडिया पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। एक दो काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है, तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही ये है कि पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पे अखाड़े हैं और जहाँ पे आप भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या जहाँ भी फूड वेंडिंग कोर्ट है, वहाँ पर दोना पत्तल या बगास से बने हुए कंपोस्टेबल या डिकम्पोजेबल जो मटेरियल होते हैं वही इस्तेमाल हो, ये एक नई शुरुआत और नई पहल की जा रही है। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों की का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखा जाएगा। इस दौरान जो पुलिस बल नियुक्त होगा उसका स्वभाव और उसकी व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग हमारे पिछले दिनों से लगातार चल रही है। महाकुंभ मेले के लिए संगम की धरती सज चुकी है। अगर आप महाकुंभ में आने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जिस वेबसाइट का शुभारंभ किया है उस वेबसाइट को बम्पर हिट मिल रहे हैं और आप इस वेबसाइट के जरिए अपनी दिव्य और भव्य महाकुंभ यात्रा का प्लान कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की धरती पर होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जारी हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के आयोजन को वैश्विक बनाने के लिए योगी सरकार तकनीक का भी सहारा ले रही है। बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज के दौरे पर जिस महाकुंभ की वेबसाइट का शुभारंभ किया था उस वेबसाइट को लगातार देश और विदेश में हिट्स मिल रहे हैं। इस वेबसाइट में महाकुंभ के धार्मिक और पौराणिक मान्यता के साथ ही उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। महाकुंभ में प्रमुख स्नान और त्योहारों की तारीख और अखाड़ों के बारे में बताया गया है। महाकुंभ 2025 के लेकर के ये महाकुंभ की एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका अनावरण, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अक्टूबर माह में हुआ था। ये वेबसाइट मेले की संपूर्ण जानकारी है। इसमें जैसे कि आप शुरू करेंगे तो मेला क्या है, मेले का महत्व, आध्यात्मिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। समुद्र मंथन की काफ़ी डिटेल है, मतलब हमारी जो भी पौराणिक इसकी कथा है, जो भी हमारे जिससे भी ये महाकुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ का आयोजन होता है वो सब उसका समावेश है इसमें। साधु संत महात्माओं जी का वर्णन है, अखाड़ों के बारे में वर्णन है कि अखाड़े क्या हैं, इनका क्या उद्देश्य है, कैसे हिंदू धर्म से ये जुड़े हुए हैं। महाकुंभ की इस वेबसाइट को देखकर ही दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति महाकुंभ में किस तरह से उसे आना है, सरकार की ओर से महाकुंभ के आयोजन को लेकर क्या तैयारी की गई है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। देश विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए ये वेबसाइट बेहद मददगार है। अगर कोई महाकुंभ आने के लिए अपनी यात्रा प्लान कर रहा है तो वो रेलवे, सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग के जरिए अपनी यात्रा वेबसाइट के जरिए प्लान कर सकता है। कोई भी देश विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति इनके बारे में जान सकता है, अपने हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ सकता है। हमारे मेला प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सरकार क्या मेले के निमित्त व्यवस्था कर रही है, किसी भी श्रद्धालु को कैसे प्रयागराज आना है, कहाँ उसको रुकना है,
कहाँ वह घूम सकता है, कहाँ कहाँ वो कैसे अपनी यात्रा को प्लान कर सकता है, किस तरह से उसकी सुगम यात्रा हो सकती है, इसके लिए वेबसाइट बहुत उपयोगी है जिसमें सभी चीज़ों का समावेश है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि वो अपनी ट्रेवल अगर प्लान करना चाहता है तो हवाई जहाज़ से या रेल यात्रा से या किसी भी माध्यम से आना चाह रहा है तो उसको भी वो प्लान कर सकते हैं। महाकुंभ में 2019 के तर्ज पर ही 3 स्थानों यानी नैनी, झूसी और परेड में 2100 टेंट की क्षमता की लग्जरी टेंट सिटी बसाई जा रही है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। होटल और टेंट सिटी की बुकिंग भी वेबसाइट के जरिए से ही की जा सकती है। कहाँ रुकना है उनको, होटल्स के बारे में उनकी जानकारियाँ हैं वो प्लान कर सकते हैं। किस महात्मा जी से मिलना है वो भी प्लान किया जा सकता है उसी वेबसाइट के थ्रू। और टेंट सिटी का भी इसमें इनेबल किया गया है तो टेंट सिटी की भी जो बुकिंग इत्यादि है वो भी वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। तो कुल मिला जुला के वेबसाइट हमारी काफी उपयोगी साबित होगी किसी भी श्रद्धालु के। महाकुंभ 2025 को लेकर एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इसको अभी तक लाखों लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं। इस मोबाइल ऐप को गूगल मैप से जोड़ा गया है। इस ऐप में भी महाकुंभ को लेकर तमाम जानकारियां दी गई हैं। साल 2019 में भी जो वेबसाइट बनाई गई थी वो भी विश्व में हिट्स के मामले में नंबर 1 थी। अब बारी है 2025 महाकुंभ की। ऐसे में वेबसाइट और मोबाइल ऐप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।